क्या वाकई में आप सभी के लिए डीडी रिलीज की एमपीईजी 2 की फ्रीक्वेंसी में 63 ऑक्शन के माध्यम से कुल 9 नए चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं क्या? क्योंकि यहां पर जो बहुत से लोग हैं वो हमारे बीच ये इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिन्होंने ये बताया कि कुल 9 नए चैनल्स को इस ई ऑक्शन में मौका मिलने वाला है जो कि एमपीईजी 2 के लिए होगी। तो दोस्तों इसको लेकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए और हमने तमाम डीडी फ्रीडिश की ऑडियंस को इसके बारे में सूचित करें, जानकारी दें कि ऐसी जानकारी भी सामने आई है जिसमें 9 नए चैनल्स को बताया जा रहा है। आखिर अगर वाकई में 9 नए चैनल्स को मौका मिलने वाला है तो उनमें से कौन कौन से चैनल शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से वो नए नए चैनल्स हो सकते हैं जिनको डीडी फ्री डिश में मौका मिलेगा, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे और बताएंगे। चैनल पहली बार आए हैं अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियोस के आगे भी सबसे पहले जरूर मिलते रहे। तो देखिए बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा काम है आप सभी को इन्फॉर्म करना, आप सभी को बताना, बाकी उस खबर में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो बात की बात है। देखिए यहां पर डीडी फ्रीडिश की जो भी जनता इस वीडियो को देख रही है वो जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर बहुत से लोग जो है वो आपको मैनिपुलेट करते हुए भी दिखाई देंगे, ये भी बताते हुए दिखाई देंगे कि 9 चैनल्स आपके लिए नए जो है वो लॉन्च किए जाएंगे या कुछ और ज्यादा चैनल्स भी हो सकते हैं जिनको मौका मिले। देखिए हर की जो जानकारी है वो अलग अलग होगी, लेकिन जो आपको एक्यूरेट जानकारी मिलेगी दोस्तों वो किसी के पास मिलेगी। तो बताना चाहूंगा कि यहां पर जो 9 नए चैनल्स को लेकर यहां पर काफी लोगों को जो है गुमराह किया जा रहा है, उसका कारण ये है कि डीडी फ्रीडिश में करीबन 8 से 9 स्लॉट्स खाली बने हुए हैं एमपीजी 2 की फ्रीक्वेंसी में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके डीडी फ्रीडिश के एमपीजी 2 के बॉक्स में भी करीबन 8 से 9 के आसपास कलर बार के साथ स्लॉट्स खाली आ रहे हैं। तो लोगों ने जो है यहां पर ये सवाल बना लिया है कि भाई इन्हीं को भरने के लिए ई ऑक्शन होने जा रही है, क्योंकि ये जो है वो खाली बने हुए हैं और इन्हीं को भरने के लिए इस ई ऑक्शन को किया जाएगा। लेकिन बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो स्लॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये डीडी फ्रीडिश के नहीं है। काफी लोग जो है उसको लेकर परेशान हो गए हैं कि भाई पहले से 9 स्लॉट्स खाली और आप कह रहे हो कि कोई स्लॉट खाली नहीं है। देखिए वो डीडी फ्रीडिश के स्लॉट नहीं है, वो डिश टीवी के स्लॉट्स हैं, डिश टीवी का सैटेलाइट का फ्रीक्वेंसी है वो। बस उनके जो चैनल्स हैं वो डीडी फ्रीडिश में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के बाद उन चैनल्स को जब बंद किया गया है तो तभी से वो कलर बार्स में ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जगह पर नए चैनल्स को मौका मिलेगा, क्योंकि डीडी फ्रीडिश का भी यही एक काम होता है कि जब भी कोई चैनल बंद हो जाता है तो उसकी जगह पर कलर बार्स को वे शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन यहां पर भी अगर हम नोटिस करेंगे तो यहां पर भी कलर बार्स ही आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये डीडी फ्रीडिश के चैनल्स होंगे। इसकी जगह पर जो भी चैनल अगर लॉन्च होगा वो डिश टीवी का ही होगा, डिश टीवी के अलावा कोई भी इस फ्रिक्वेंसी में चैनल्स लॉन्च नहीं कर सकता है। इवन आपने नोटिस भी किया होगा कि इन चैनल्स पर डीडी फ्रीडिश का लोगो भी नहीं आ रहा है। जब लोगो ही नहीं आ रहा है तो डीडी फ्रीडिश की फ्रिक्वेंसी भी कैसे हो गई? इसलिए अगर आपको कोई ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहा है कि 8 से 9 चैनल्स आपके लिए लॉन्च होने वाले हैं इस ई ऑक्शन में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुमराह की बातें हैं। फिलहाल ऐसा कोई भी प्रसार भारती की ओर से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और ना ही ये फ्रीक्वेंसी डीडी फ्रीडिश की है। हाँ, आने वाले समय में अगर डीडी फ्रीडिश की ओर से इस फ्रीक्वेंसी को एक्वायर कर लिया जाए डिश टीवी से तो पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल की बात करें तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है और ना ही इन चैनल्स को डीडी फ्रीडिश की ओर से मौका मिलेगा। ये सिर्फ डिश टीवी की फ्रीक्वेंसी से चैनल जो है उसमें आएंगे और कोई नहीं आएंगे। बाकी इस 63 ऑप्शन में आप कौन कौन से चैनल्स को देखना पसंद करेंगे नीचे अपने रेकमेंड बॉक्स में वो जोड़ दीजिएगा। नमस्कार।